नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, महाराष्ट्र में 364 डॉक्टर्स हुए संक्रमित। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना मामलों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। दिल्ली और महाराष्ट्र कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। अगर मुंबई की बात करें तो यहां शुक्रवार को कोरोना के 20,971 नए मामले दर्ज हुए, साथ ही 8,490 कोरोना मरीज ऐसे थे जो ठीक हो चुके हैं। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना से 6 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके अलावा 1,395 कोरोना मरीज अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। मुंबई के अस्पतालों में 35,000 से ज्यादा कोरोना बेड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6,532 बेड इस्तेमाल में हैं। कोरोना की वजह से मुंबई की 123 से ज्यादा इमारतें सील की गई हैं और फिलहाल यहां 6 कंटोनमेंट जोन एक्टिव हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र में करीब 364 रेजिडेंस डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 17,335 केस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद संक्रमण दर 17.73% पहुंच गई। राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जेश के निशाने पर आरएसएस हेडक्वार्टर, बड़े नेताओं को भी खतरा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी के आरएसएस का नागपुर स्थित मुख्यालय इस वक्त आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के निशाने पर है। खुफिया सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकियों ने हाल ही में संघ मुख्यालय की रेकी की है। सूत्रों के मुताबिक संघ के बड़े नेता भी आतंकियों के निशाने पर है। नागपुर के कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि कुछ दिनों पहले नागपुर में जैश मोहम्मद के कुछ लोग आए थे और कई महत्वपूर्ण ठिकानों की उन्होंने रेकी की है, जिसके बाद इन ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर ने अधिक जानकारी देने से साफ मना कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, फिरोजपुर में पाकिस्तानी नाव मिलने से हड़कंप, कुछ दूर पर ही फंसा था पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला। जी हां दोस्तों, पंजाब के जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, वह फिरोजपुर जिला काफी संवेदनशील माना जाता है। पाकिस्तान की सीमा से सटा होने की वजह से यह हमेशा सक्रिय रहती है। जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका था, वह जगह भी पाकिस्तान सीमा से महज कुछ किमी दूर पर है। इस क्षेत्र में कई बार टिफिन बम और विस्फोटक भी बरामद हो चुके हैं। नवम्बर में दिवाली से पहले भी भारत पाकिस्तान सीमा के गाँव से पुलिस ने टिफिन बम बरामद किया था। यहां से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए जा चुके हैं और अब फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सतलज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है। बरामदगी के वक्त यह नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाया जा रहा है कि यह नाव यहां कब आई, इसमें कौन सवार थे और इसे यहां लाए जाने का मकसद क्या था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक, 12वीं तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, धरना प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी सऊदी तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को कड़ाई से पालन किया जाए। जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित गतिविधियां 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई छात्रों को दी बड़ी राहत, अब नंबर्स को लेकर मिलेगा यह ऑप्शन। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई के पिछले साल जून की मार्क्स इंप्रूवमेंट पॉलिसी में दी गई उस शर्त को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को कक्षा 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए अंतिम माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब इंप्रूवमेंट एग्जाम में मिले नंबर्स को फाइनल नहीं माना जाएगा।
जस्टिस एएम खानविकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई अंतिम परिणाम की घोषणा के लिए प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी वर्ष में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का ऑप्शन देगा। न्यायालय पिछले साल सीबीएसई की ओर से क्लास 12 के अंकों में सुधार के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए कुछ छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून 2021 की पॉलिसी के खंड 28 में प्रावधान के बारे में शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस नीति के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हासिल अंकों को आखिरी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट है ओमिश्योर, आईसीएमआर से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में एक नई टेस्ट किट को अनुमति दी गई है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता लगा सकती है। भारत में तीसरी लहर के बढ़ने के बीच जांच सुविधाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने ओमिश्योर नाम की एक टेस्ट किट तैयार की है, जिससे ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली दुनिया की पहली किट बताया जा रहा है। टीएमडी के शोध एवं विकास विभाग के प्रमुख रवि वंशतपुरम का कहना है कि इस टेस्ट के जरिए ओमिक्रॉन को अलग करने में मदद मिल सकती है। आरटीपीसीआर टेस्ट किट की ही तरह ओमिश्योर के लिए भी नाक और मुंह से सैंपल लिया जाता है और यह किट भारत की किसी भी पीसीआर मशीन में काम कर सकती है। वंशतपुरम ने बताया कि ओमिश्योर टेस्ट का वक्त 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा है। इसके बाद ये एस जीन टारगेल फेलियर और एस जीन म्यूटेशन को मिलाकर ओमिक्रॉन का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आकलन के मुताबिक यह किट 100% सटीकता दिखा रही है। टीएमडी ने प्रयोगशालाओं के लिए ओमिश्योर की एक टेस्ट किट का दाम 250 रुपये रखा है। कंपनी का रोजाना 2 लाख किट उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे जल्द ही 5 लाख रोजाना पर लाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, जीडीपी ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जारी किया एडवांस एस्टीमेट। जी हां दोस्तों, मार्च 2022 में समाप्त चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के जीडीपी में 9.2% वृद्धि होने का अनुमान सरकार ने लगाया है। सरकार द्वारा जारी पहले एडवांस एस्टीमेट से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के दुशावरियों से बाहर आ रही है और गति पकड़ रही है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए अनुमान से कम है। आरबीआई ने जीडीपी में 9.5% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 8.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इस प्रकार भारत सबसे तेजी से विकसित होने वाली बड़ी इकोनॉमी में से एक बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, इतने दिन का क्वारंटाइन जरूरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के मुताबिक अब भारत आने पर सभी इंटरनेशनल यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में होना होगा। साथ ही 8वें दिन उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। केंद्र की यह गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू की जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को अपनी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा से 72 घंटे पहले किया गया कोरोना टेस्ट ही मान्य होगा। साथ ही अगर रिपोर्ट फर्जी या गलत पाई जाती है तो यात्री के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का प्रावधान भी शामिल है और इसके लिए यात्रा से पहले एक फॉर्म भरना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, महंगी हुई इस बैंक की सर्विसेज, 18 करोड़ लोगों पर होगा सीधा असर। जी हां दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक कई बैंकिंग सर्विसेज के चार्जेस बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लागू होने के बाद मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अधिक पैसे देने होंगे। इसके अलावा लॉकर सर्विसेज और बैंक अकाउंट बंद कराने की फीस भी बढ़ जाएगी। पीएनबी के इस फैसले का 18 करोड़ से ज्यादा लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। पीएनबी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें 15 जनवरी 2022 से लागू होंगी। नए बदलाव लागू होने के बाद मेट्रो शहरों के कस्टमर्स के लिए मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की लिमिट भी बढ़ जाएगी। अभी ऐसे कस्टमर्स के लिए 5,000 रुपए की लिमिट थी, 15 जनवरी से यह लिमिट बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी। यानी श्रेणी के ग्राहकों को अब 10,000 का क्वार्टरली एवरेज मेंटेन नहीं कर पाने पर चार्जेस देने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। लेकिन दोस्तों मौसम समाचार जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं आज
आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश और भारी हिमपात संभव है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन राज्यों में अलग अलग ओलावृष्टि की गतिविधियां भी संभव है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, गुजरात के अलग अलग हिस्सों, विदर्भ और मराठवाड़ा में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरी कोंकण और गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में छिटपुट हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज के सोने और चांदी के दामों का। तो दोस्तों सोने और चांदी की कीमतें आज फिर से कम हुई है। शुक्रवार को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बहुमूल्य धातुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 301 रुपए टूटकर 46,415 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,716 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमत में भी 402 रुपए की गिरावट आई है, जिससे चांदी 59,044 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 60,446 रुपए प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, चीन के कर्ज जाल में फंसी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, दिवालिया होने की कगार पर। जी हाँ दोस्तों, चीन के कर्ज में डूबे पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। वह महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग खाने पीने का सामान खरीदने के लिए जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते खजाना लगातार खाली हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन से लिया कर्ज चुकाना श्रीलंका के लिए मुश्किल हो गया है और वो अब कभी भी दिवालिया हो सकता है। पटरी से उतरी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका कर्ज में डूबा है, जो कर्ज उसने चीन से ले रखा है। देश को अगले 12 महीने में 7.3 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 54,000 करोड़ रुपए का घरेलू और विदेशी कर्ज चुकाना है। कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। उसे चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। पिछले साल श्रीलंका ने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए चीन से अतिरिक्त 1 अरब डॉलर यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसका भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। यही वजह है कि श्रीलंका आज दिवालिया होने की कगार पर है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, नवंबर के रिकॉर्ड हाई से 40% तक लुढ़का बिटकॉइन, निवेशकों को हुआ 20 लाख का नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारत में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर छिड़ी बहस के बीच दुनिया की सबसे प्रचलित क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में पिछले कुछ समय से गिरावट जारी है। शुक्रवार 7 जनवरी को भी इसमें गिरावट दर्ज की गई। इसकी कीमत लुढ़ककर 42,000 डॉलर यानी के 31.21 लाख रुपए से नीचे आ गई है। यह नवंबर 2021 में बने रिकॉर्ड हाई से 27,000 डॉलर करीब 20 लाख रुपए या 40% तक लुढ़क चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में नवंबर 2021 में 69,000 डॉलर यानी कि 51.28 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। तब से इसकी कीमत में अब तक 27,000 डॉलर की गिरावट आ चुकी है। शुक्रवार 7 जनवरी को बिटकॉइन की कीमत में 4.9% गिरावट आई, जिससे ये 41,008 डॉलर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, कजाकिस्तान सरकार का सेना को खुली छूट, दंगाइयों को देखते ही मार दो गोली। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने शुक्रवार को सुरक्षा बलों को आतंकियों पर गोली चलाने और उन्हें मार गिराने का अधिकार दे दिया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त ताकोयेव ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश में पिछले कई दिनों से चल रहे बेहद हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाने को कहा गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने अशांति फैलाने के लिए आतंकियों और उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आतंकवादियों को गोली मारने के अधिकार दिए गए हैं। तो काइयेव ने कहा, जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने कुछ अन्य देशों द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के आह्वान को बकवास बताया। तो काइयेव ने कहा कि अपराधियों, हत्यारों के साथ क्या बातचीत हो सकती है। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि देश में संवैधानिक व्यवस्था बहाल कर दी गई है और स्थानीय प्रशासन ने हालात को नियंत्रण कर लिया है।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, रिलायंस जियो इस साल ला सकती है आईपीओ, $100 अरब हो सकता है वैल्यूएशन। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस साल आईपीओ ला सकती है। इसका वैल्यूएशन 7.40 लाख करोड़ यानी $100 अरब की उम्मीद है। इसके लिस्टिंग के बाद यह ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होगी। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA ने इस तरह की उम्मीद जताई है कि इस साल में यह कंपनी लिस्ट हो सकती है। जियो में 2020 में 13 निवेशकों को करीब 33% हिस्सेदारी बेची जा चुकी है। इसमें से 10% के करीब फेसबुक और 8% के करीब गूगल को हिस्सेदारी बेची गई थी। रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसके पास अक्टूबर 2021 में 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहक थे। इसके बाद अगली खबर, 5G से 100 गुना तेज भगेगा इंटरनेट, चीन का दावा, रिसर्चर्स ने बनाई 6G टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, चीन ने 6G मोबाइल टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करने का दावा किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में रिसर्चर्स ने 206.25 गीगाबिट प्रति सेकंड की वर्ल्ड रिकॉर्ड वायरलेस ट्रांसमिशन स्पीड हासिल की है। इसका मतलब यह है कि 6G में 5G से 100 गुना तेज इंटरनेट चलेगा। 5G टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में रोल आउट किया जाना है। 206.25 गीगाबिट की स्पीड काफी ज्यादा है और यह यूजर्स को केवल 16 सेकंड में 4K में सभी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स फिल्मों के पूरे 59.5 घंटे को डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। दक्षिण कोरिया न्यूज आउटलेट की रिपोर्ट में टेलीकॉम उपकरण प्राइवेटर्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि 6G टेक्नोलॉजी के 2030 के आसपास बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, अमृतसर में फिर लैंड हुआ कोरोना यात्रियों से भरी फ्लाइट, दूसरे दिन 173 लोग मिले संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर एक बार कोरोना से संक्रमित यात्रियों का फ्लाइट लैंड हुआ है। शुक्रवार को रोम से आई इंटरनेशनल फ्लाइट में 173 यात्री कोरोना संक्रमित निकले। इस फ्लाइट में कुल 290 यात्री सवार थे। गौरतलब है कि बीते दिन यानी गुरुवार को भी 125 यात्री अमृतसर एयरपोर्ट पर पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि गुरुवार को भी इटली से अमृतसर के लिए 179 यात्रियों से भरी एक फ्लाइट आई थी, जिसमें से 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियमों के मुताबिक अब भारत आने पर सभी इंटरनेशनल यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा। साथ ही 8वें दिन उनका RT-PCR टेस्ट जरूर कर दिया है। केंद्र की यह गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, BMW i4 देगी 450 किलोमीटर की रेंज, महिंद्रा EKUV 100 और टाटा की 3 कारें भी आएंगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक कारों का चलन बढ़ा है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा मिला है। साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सोसाइटी का दावा है कि इस साल भारत में ईवी की बिक्री 10 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर जाएगी। देश में अब तक कई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की जा चुकी हैं और 2022 में भी इलेक्ट्रिक कारों के लिहाज से एक बड़ा साल होने की उम्मीद है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार बनाने वाली कंपनियां इस साल कई कारों को लॉन्च करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, 40% डिस्काउंट पर खरीदे स्मार्टफोन और टीवी, 10 जनवरी तक के लिए है ऑफर। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने मोबाइल एंड टीवी सेविंग डे सेल का ऐलान किया है। ये सेल 10 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगी। सेल में वन प्लस, शियोमी, सैमसंग, ओप्पो, टेक्नो, वीवो और रियलमी ब्रांड को सस्ते में खरीद पाएंगे। इस सेल में सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर 10% डिस्काउंट के साथ अधिकतम ₹1250 डिस्काउंट का लुफ्त उठा पाएंगे। साथ ही सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर ₹1250 डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को शानदार एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट EMI ऑप्शन दिया जा रहा है। प्राइम मेंबर्स स्मार्टफोन को ₹20,000 डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अमेजोन का प्रीमियम फोन पार्टी इवेंट 12 जनवरी तक लाइव रहेगा, जिसमें ग्राहक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को सबसे कम कीमत पर स्मार्टफोन खरीदने का मौका होगा। सेल में फ्लैगशिप स्मार्टफोन को 40% डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे। साथ ही फोन की खरीद पर ₹5,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी हासिल कर पाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर, शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद सेंसेक्स 143 अंक उछला, निफ्टी में भी रही तेजी। जी हां दोस्तों, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 143 अंक की तेजी के साथ 59,744 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 67 अंकों की उछाल के साथ 17,813 के स्तर पर कारोबार खत्म किया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने आज भी बढ़त लेते हुए 60,000 के स्तर को पार कर लिया था। हालांकि अंत में यह स्तर नीचे आ गया। पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स 59,601 के स्तर पर बंद हुआ था, जबकि एनएससी का निफ्टी 180 अंक की गिरावट के साथ 17,746 के स्तर पर बंद हुआ था। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।